Hello, good morning students. In this video, we are doing chapter number 5, percentage and its application, introduction worksheet, page number 90, you have to given, question number 1, 2, already done, and I also given the question number 3 and 4 to practice for yourself. Now, we have discussed about the question number 3. Write the following fraction or mixed number as percents. अब इस question में आपको ये बताना है कि write the following fraction or mixed number as percent. और ये fractions आपको दिए हुए हैं 1 and 4 by 5. इसको हमने पहले किस में चेंज कर देना है? 1 and 4 by 5 क्या होता है? Mixed fraction होता है. तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 5 5 एंड 4 9 9 बाय 5 हो जाएगा. अब इस फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज कर देना परसेंट में, और परसेंट निकालने के लिए अभी आपको मैंने रूल बताया था कि हमने न्यूमिरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो 9 बाय 5 इज़ मल्टीप्लाइड विद 100, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 1 5 5 2 10 और ये 0 आ जाएगी हमारे पास. तो क्या आ जाएगा 29 180 180% इसका आंसर हो जाएगा. सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 है, बी पार्ट है. बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 6 एंड 1 बाय 4 मिक्स नंबर दिया हुआ है, पहले इसका इम्प्रॉपर बनाएंगे. 6 4 24 एंड 1 25 बाय 4, और 25 बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये कैंसिल कर देंगे इसको, 4 1 4 4 25 100. तो ये आप बच्चे अगर ये ऐसे नहीं कर सकते तो आप 100 को 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, तो 25 आंसर आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, तो कोई भी नंबर बाकी इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर 625 आ जाएगा. और पीछे हम क्या लगा देंगे, लास्ट में परसेंट साइन लगा देंगे. तो सी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, 12 एंड 1 बाय 2. ये आप इसमें वीडियो अपनी शीट में चेक कर सकते हो, ठीक है. आप अपने आप भी कर सकते हो, और करने के बाद आप इससे, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी इसकी, आप इससे अपना टैली कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कन्वर्ट द गिवन रेशो इनटू परसेंट. अब आपने लास्ट चैप्टर में रेशो वाला रेशो पढ़ा था. रेशो क्या होती है, 3:5. 3:5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3:5 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. और आपने इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है, वही सेम प्रोसीजर. तो क्या करेंगे, 3 बाय 5 मल्टीप्लाई विद 100. क्या हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 23 60%, ये आपका आंसर हो जाएगा. और ऐसे ही 7:20, 7 बाय 20 मल्टीप्लाई विद 100, 20 21 20 25 100, तो क्या हो जाएगा, 5 7 35. और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करोगे, 3:12, तो क्या हो जाएगा, 3 बाय 12 मल्टीप्लाई विद 100, तो क्या हो जाएगा, किससे कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 4 12, और 4 को किससे कैंसिल करेंगे, 100 से, 4 1 4 25 4 100, तो क्या रह गया हमारे पास, ओनली 25. और लास्ट में हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, परसेंट लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 25%. और ये क्वेश्चन भी सेम आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट. अब आपको नंबर जो है डेसिमल में दिया हुआ है, 0.275. तो बच्चे सबसे पहले आपने इसको डेसिमल रिमूव करना है. तो डेसिमल रिमूव करने के लिए आपको पता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट 2 7 5. तो डेसिमल हटाने के लिए हमें उतनी ही जीरोस नीचे लगानी पड़ेंगी. मतलब कि डेसिमल कहाँ है, थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो मींस हमें नीचे क्या लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 1000 लगाना पड़ेगा. तो अब हमें इसको किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है. तो ये आपका डेसिमल रिमूव करने से ये फ्रैक्शन आ गया,
और अब इसको परसेंट में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 275/1000 मल्टीप्लाई विद 100। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम, 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, 275/10, और अब दोबारा से इसको डेसिमल में लिखकर फिर परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा हमारा, एक डिजिट के बाद आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है, तो 10th प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया है, तो पीछे परसेंट भी आ जाएगा, साइन ऑफ परसेंट भी आ जाएगा। सेम एज इट इज़ 1.63 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, दो डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 100 लग जाएगा। तो 100 लगने के बाद अब हमें किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ कैंसिल इट, सॉल्व दिस, 100 इज़ कैंसिल विद 100, 1 and 1, क्या रह गया हमारे पास, ओनली 163। तो 163% इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, जैसे हमने ये किया वैसे ही ये होगा, ए और सी पार्ट सेम है, और डी पार्ट में ओनली 0.1 है, तो पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो नीचे 10 लगेगा, 1/10 मल्टीप्लाई विद 100, तो क्या हो जाएगा, 10 ones are 10, 10 tens are 100। तो क्या रह गया हमारे पास, 10 ones are 10, 10%, ये आपके पास आंसर रह गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन हमने 5th में सारे किए हुए हैं बच्चे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे लगता है। अब क्या करेंगे हम लोग, 20% ऑफ ₹80, 20% ऑफ ₹80। बच्चे 20% का मतलब आपको पता है, जब भी परसेंट हटाना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन गया, 20/100। ऑफ, मैथ में ऑफ की वैल्यू कितनी क्या होती है, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दिस, 20% ऑफ ₹80, 20% मीन्स 20/100, एंड रुपी ऑफ ₹80 मीन्स मल्टीप्लाई विथ 80, तो क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 20 ones are 20, 25 are 100, 5 ones are 5, 5 16 are 80, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ₹16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 75% ऑफ ₹350, तो 75% का मीनिंग क्या है, 75/100, परसेंट हटाना है तो हमें नीचे 100 लगाना होगा, 75/100 मल्टीप्लाई विद 350, तो क्या कर देंगे हम, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, अब क्या हो जाएगा, 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2625। ओके, तो 2625, और नीचे हमारे पास 10 भी लेफ्ट है, डिनोमिनेटर 10 भी है ये हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, अब हमें इसमें इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में, क्योंकि नीचे 10 रिमाइंडर है, 10 डिनोमिनेटर है, तो क्या हो जाएगा, 262.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 and 1/3% ऑफ 180 किलोग्राम, तो 3 and 1/3% कितना होता है, 10/3, 8% को हटाना है तो डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस जीरो इज़ कैंसिल्ड विद दिस जीरो, एंड दिस जीरो इज़ आल्सो कैंसिल्ड विद दिस, तो क्या हो जाएगा, 3 ones are 3, 3 sixes are 18, 6 किलोमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। एंड सेम 25% ऑफ वन स्कोर, बटे क्या होता है, 20, वन स्कोर किस, जैसे हम डजन में कहते हैं ना 12 थिंग्स होती हैं, ऐसे ही वन स्कोर में 20 थिंग्स होती हैं, तो 25/100 मल्टीप्लाई विद 20, तो क्या हो जाएगा, ये हम क्या कर देंगे, 20 ones are 20, 25 are 100, 5 ones are 5, 5 25 are 25, तो 5 pencils जो हैं आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, रितु स्कोर्ड
यस, रितु स्कोर 68% इन मैथ, इफ मैक्सिमम मार्क्स वर 50, हाउ मैनी मार्क्स डिड ही स्कोर, तो उसने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए।